हेलो दोस्तों, सब अच्छे होंगे और आपके जो अभी पेपर चल रहे हैं वो बहुत ही अच्छे हो रहे होंगे जहाँ तक मेरे को लग रहा है। और जो अपने पास जो पिछला जो पेपर किए थे, ठीक है, उसके अंदर जो अपने एक्सटेंशन का पेपर सॉल्व करवाया था, उसके अंदर आपको जो गेस पेपर बताया था, ठीक है, उसके अंदर आपके 60% के 60% आपका जो पेपर था उसको कवर किया था, अपना जो गेस पेपर बनाया था, ठीक है। और अपना आज जो है, अपना है आज किसका है आपको मैं बता दूँ, इकोनॉमिक्स का है। अगला जो कल का पेपर है 10 तारीख का, वो किसका है, इकोनॉमिक्स का। और जो BSc होनर्स जो फर्स्ट ईयर के सेकंड सेमेस्टर का है, ठीक है, किसका है, सेकंड सेमेस्टर का है। तो इधर ये बात लिख देता हूँ, पहले अपन BSc होनर्स एग्रीकल्चर पार्ट फर्स्ट सेमेस्टर सेकंड, ठीक है, ये है। और अपना जो है आज है गैस पेपर, ठीक है, गैस पेपर है, ठीक है। और किसका है, अपना है इकोनॉमिक्स का, इकोनॉमिक्स का है ना, हाँ इकोनॉमिक्स मतलब अर्थशास्त्र, ठीक है, अपन देखेंगे, ठीक है दोस्तों। और जो अपना आज का पेपर होने वाला है वो मैं बता दूं आपको, जो अपना जो कल का पेपर है, ठीक है, उसके अंदर जो अपना जो आज का मैं करवा रहा हूँ आपको, जो गेस पेपर बता रहा हूँ, उसके अंदर आपके जो पेपर के अंदर 70% आपके पेपर को कवर कर लेगा ये गेस पेपर, ठीक है। तो दोस्तों आप क्लास शुरू करने से पहले एक बार ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के पास शेयर कर दें, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है आज की क्लास, क्योंकि इसमें महत्वपूर्ण क्वेश्चन बताऊंगा आपको। अपन देखेंगे सीरियल वाइज देखेंगे कि फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर कितने क्वेश्चन आते हैं, सेकंड में, थर्ड में, फोर्थ में, ठीक है। अभी AU जोधपुर की लग रही है, उसके बाद में जैसे 10 तारीख के बाद में, जैसे 11 तारीख के बाद में बीकानेर यूनिवर्सिटी का भी पेपर स्टार्ट हो जाएगा। तो बीकानेर यूनिवर्सिटी के अंदर जो पहला पेपर भी किसका है, इकोनॉमिक्स का, ठीक है। और अपना जो AU जोधपुर का है उसका कल से इकोनॉमिक्स का है, इसलिए मैं आपको गेस्ट पेपर करवाने जा रहा हूँ, ठीक है दोस्तों। तो एक बार क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के पास शेयर कर दे, और जो दोस्त इस चैनल पर नए जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे, ठीक है दोस्तों। तो अपन जो पहला पेपर, जो अपना जो पेपर होता है पेपर पैटर्न के, उसके दो भाग होते हैं, ठीक है, एक तो ए और एक बे भाग। ए भाग में तो आपके आते हैं, एक तो आता है रिक्त स्थान मतलब फिल इन द ब्लैंक, ठीक है, और दूसरा आता है ऑब्जेक्टिव टाइप, ठीक है। तो अपने पहले क्वेश्चन के अंदर आएगा अपना ये आएगा 10 नंबर का, ठीक है, कितने नंबर का आएगा, 10 नंबर का। उसमें से 10 नंबर में से पहले तो 10 क्वेश्चन आएंगे ए के अंदर, आएंगे 10 क्वेश्चन एबे से देखे, ठीक है। वो कितने, एक प्रति क्वेश्चन कितने नंबर का रहेगा, 1/2 का। इसी प्रकार 10 क्वेश्चन आएंगे तो वो 5 नंबर के वो हो गए, फिल इन द ब्लैंक 10 क्वेश्चन आएंगे 1/2 के प्रति क्वेश्चन के हिसाब से उसका देखे 5 नंबर का वो हो गया, ठीक है। इस प्रकार पहला क्वेश्चन कितने नंबर का हो गया, 10 नंबर का हो गया, ठीक है। तो अपन पहला क्वेश्चन देखते हैं पहले किस प्रकार आएगा, मैं आपको बता दूं, पहला क्वेश्चन अपना प्रथम इकाई की उपयोगिता कहलाती है, प्रथम इकाई की, पहला क्वेश्चन लिखिए आप, प्रथम इकाई की उपयोगिता कहलाती है, जो प्रथम इकाई होती है उसकी उपयोगिता क्या कहलाती है आपको बताना है, ठीक है। यह आपके खालिस्तान में भी आ सकता है और आपके एबेसद के अंदर भी आ सकता है, ठीक है। इसी प्रकार अपन दूसरा क्वेश्चन चलते हैं, पहले के अंदर दूसरा, ठीक है, मांग वर्ग का ढाल होता है, जो मांग होती है उसके वर्ग का ढाल होता है, ठीक है, इसके अंदर ढाल बताना आपको, ढाल होता है, ठीक है। इसी प्रकार पहले का तीसरा है, किसी देश की राष्ट्रीय आय ज्ञात की जाती है, किसी देश की राष्ट्रीय आय ज्ञात की जाती है, क्या की जाती है, आय ज्ञात की जाती है, ठीक है। इसके बाद में चौथा क्वेश्चन है, पहले का चौथा, कि नमक की मांग होती है, चौथा है नमक की मांग बतानी है अपने को, कि इसका जो नमक की मांग होती है, जो इसका लोच होता है वो कम होता है या ज्यादा है, वो आपको बताना है नमक की मांग। इसके बाद में पांचवा अपना इधर लिख देता हूं, पांचवा है, पांचवा क्वेश्चन अपने पास, किसने कहा कि मनुष्य की क्रिया, किसने कहा कि
मनुष्य की क्रिया धन पर केंद्रित होता है, धन पर केंद्रित होता है। किसने कहा कि जो मनुष्य का धन होता है वो केंद्रित होता है, वो किसने कहा? आपको नाम बताना उस वैज्ञानिक का, ठीक है, जो इसने जो इसको कहा है, ठीक है। इसके बाद में है छठा क्वेश्चन अपना, छठे क्वेश्चन के अंदर दे रखा है अर्थशास्त्र शब्द कौन सी भाषा से लिया गया है, जो इकोनॉमिक शब्द है वो किस भाषा से लिया गया है, कौन सी भाषा से लिया गया है, कौन सी भाषा से लिया गया आपको बताना है। इसके बाद में इधर ले लेते हैं अपन सातवां क्वेश्चन, ठीक है। सातवां क्वेश्चन अपने पास, वह वस्तु जिसमें आकार व वजन हो, वह वस्तु जिसमें आकार व वजन हो, कि ऐसी कौन सी वस्तु है जिसके अंदर आकार और वजन दोनों हो, वो आपकी वस्तु का नाम बताना है। इसके बाद में सात क्वेश्चन हो गए, इधर ले लेते हैं अपन आठवां क्वेश्चन अपने पास। आठवां क्वेश्चन है अर्थशास्त्र एक क्या है, अर्थशास्त्र एक, ठीक है, इसके बाद में आपको बताना है। इसके बाद में है नौवां क्वेश्चन अपने पास, वस्तु की इच्छा पूर्ति की शक्ति को कहते हैं, जो वस्तु की इच्छा पूर्ति की शक्ति को कहते हैं, जो वस्तु की इच्छा होती है उसकी पूर्ति को क्या कहते हैं, वो आपको बताना है। इसके बाद में अपने पास नौ क्वेश्चन होंगे, दसवां क्वेश्चन अपने पास, मार्शल के अनुसार, मार्शल के अनुसार धन का स्थान है, धन का स्थान है, ठीक है। दस क्वेश्चन कंप्लीट हुए, इसके बाद में है आठ ग्यारहवा क्वेश्चन अपने पास है, जब किसी वस्तु की कीमत बढ़ती है तो घटती है तो, जब किसी वस्तु की कीमत घटती है तो, घटती है तो उसकी मांग में क्या परिवर्तन होता है, उसकी मांग में बता दो आपको, बढ़ती है। अगर कीमत घटेगी तो उसकी मांग बढ़ेगी, ठीक है, इसके अंदर आंसर आएगा अपना बढ़ेगी, ठीक है। इसके बाद में लास्ट क्वेश्चन अपने पास है, जो इधर लिख लेते हैं आप, इधर बता देता हूं आपको अपना है क्वेश्चन, ग्यारह हो गए, बारहवा है अपने पास, पहला का प्रश्न का है, कृषि उत्पादन की मांग, कृषि उत्पादन की मांग मुख्य रूप से निर्भर है, ठीक है, जो कृषि उत्पादन होता है उसकी मांग वो किस पर निर्भर है, मुख्य रूप से बताना है, ठीक है। तो अपना फर्स्ट क्वेश्चन था वो कंप्लीट हुआ, फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर आपको मैं 12 बताया हूँ गेस पेपर के अकॉर्डिंग, ठीक है, तो इसके अंदर से आपको पूछा जाता है, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन अपना प्रथम इकाई की उपयोगिता कहलाती है, दूसरा क्वेश्चन है पहले के अंदर मांग वर्ग ढाल होता है, तीसरा किस देश की राशि राष्ट्रीय आय ज्ञात हो को की जाती है, इसके बाद में नमक की मांग, ठीक है, और पांचवा अपना किसने कहा कि मनुष्य की क्रिया धन केंद्रित होती है, ठीक है, वैज्ञानिक नाम बताना आपको। इसके बाद में छठा क्वेश्चन है अर्थशास्त्र कौन सी भाषा से लिया गया, कि जो अर्थशास्त्र होता है इकोनॉमिक्स होता है वो कौन सी भाषा से लिया गया है, वो लिया गया है ग्रीक भाषा से। इसके बाद में है वह वस्तु जिसमें आकार व वजन होता है, इसके बाद में अपन आठवा क्वेश्चन की चलते हैं अर्थशास्त्र एक है, इसके बाद में है नौवा वस्तु की इच्छा पूर्ति की शक्ति को अपन क्या कहते हैं, इसके बाद में दसवां क्वेश्चन मार्शल के अनुसार धन का एक स्थान है, इसके बाद में है अपना है ग्यारहवां जब किसी वस्तु की कीमत घटती है तो उसकी मांग
हमेशा बढ़ती है। इसके बाद में लास्ट का है, कृषि उत्पादन को मांग मुख्य रूप से निर्भर है। ठीक है, ये अपना फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। ठीक है दोस्तों, तो एक बार इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जो दोस्त नहीं उतारे हों या छोटे भाई बहन इसको ना उतारे हो, एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद अपना नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, सेकंड क्वेश्चन की ओर। ये हो गया 10 नंबर का मैटर। ठीक है, क्योंकि इसके अंदर क्वेश्चन तो काफ़ी 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे अपने फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर। ठीक है, तो आपको मैं 12 क्वेश्चन करवाया हूँ, तो इनमें से आपको मिल जाएंगे कम से कम, तो एक बार फट के जरूर जाइए इनको, क्योंकि जो एग्जामिनर होता है वो इसी टॉपिक के अंदर से आपको जो मैं आपको बता रहा हूँ वहीं से आपको जो क्वेश्चन है वो पुटअप करेगा। ठीक है, तो आपको बस एक बार फट के चले जाइए इनको। मैं आपको दोस्तों मैं बता दूँ, जो मैं आपको करा रहा हूँ इनका आपको PDF वगैरह या नोट्स वगैरह के द्वारा भी आपको अवेलेबल करा देता हूँ। तो इधर जो मेरे WhatsApp ग्रुप है, जो Telegram ग्रुप है, उसके नंबर दे देता हूँ, उस पर आप जाके मैसेज कर देना कि आपको जो नोट्स वगैरह चाहिए, इनके आंसर वगैरह सारे आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो इधर बता देता हूँ आपको, मैं ऊपर लिख देता हूँ, ये जो Telegram और WhatsApp ग्रुप है इसका नंबर है। ठीक है, ये दोनों का है, एक तो WhatsApp और Telegram दोनों ग्रुप का है, 7300091167। ठीक है, तो आप इस पर जाकर आराम से, ग्रुप भी है इसका जो WhatsApp ग्रुप है, Telegram ग्रुप है, आराम से आपको वहाँ पे नोट्स अवेलेबल हो जाएंगे। ठीक है, इसके बाद अपन चलते हैं आगे, सेकंड क्वेश्चन चलते हैं अपन। सेकंड क्वेश्चन आता है, सेकंड क्वेश्चन के अंदर आपको 13 क्वेश्चन पूछेंगे, उनमें से आपको कितने क्वेश्चन करने होते हैं, आपको करने होंगे 10 क्वेश्चन। ठीक है, और प्रत्येक क्वेश्चन 1 नंबर का होता है, इस प्रकार कितने नंबर के हो गए, 10 नंबर का मैटर हो गया। तो अपना पहला क्वेश्चन है अर्थशास्त्र की कल्याण परिभाषा, जो अर्थशास्त्र है उसकी कल्याण की परिभाषा बतानी है, अर्थशास्त्र की कल्याण की परिभाषा। ठीक है, पहला क्वेश्चन कंप्लीट हुआ, दूसरा का पहला क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। इसके बाद में अपन चलते हैं आगे। ठीक है, पहला क्वेश्चन यह था, इसके बाद में दूसरा है, दूसरा कृषि अर्थशास्त्र। ठीक है, ये इनकी परिभाषाएं पूछ रहे दूसरे क्वेश्चन के अंदर। ठीक है, इसके बाद में है सीमांत उपयोगिता, तीसरा है सीमांत उपयोगिता। ठीक है, क्या है, सीमांत उपयोगिता है। इसके बाद में अपन चलते हैं आगे, वस्तुएं एवं सेवाएं। ठीक है, चौथा है वस्तुएं एवं सेवाएं। ठीक है, इसके बाद में है आगे उपयोगिता को परिभाषित कीजिए, पांचवा है जो उपयोगिता होती है उसको परिभाषित करना है, परिभाषित कीजिए। इसके बाद में 6th क्वेश्चन अपना दूसरे के अंदर, उत्पादन और उपभोग की परिभाषा, इन दोनों की आपको परिभाषा बतानी है। ठीक है, इसके बाद में है अपना मूल्य और कॉस्ट। ठीक है, मूल्य और कीमत ले लो पहले अपन, 7th क्वेश्चन अपने पास मूल्य व कीमत को परिभाषित कीजिए। ठीक है दोस्तों, इसके बाद में अपना 7 क्वेश्चन कंप्लीट हुए। 8th क्वेश्चन अपने पास है उपभोग और विनिमय को परिभाषित कीजिए। 8वां क्वेश्चन है उपभोग और विनिमय। ठीक है, 9वां क्वेश्चन अपने पास है कॉस्ट और मांग।
कॉस्ट और मांग हो गया, कॉस्ट मीन्स खर्चा और मांग, ठीक है। इसके बाद में है पूंजी और संगठन, दसवां क्वेश्चन अपने पास है, पूंजी और संगठन, ठीक है। 10 कंप्लीट हुए, अपने को 13 क्वेश्चन पूछे थे दूसरे क्वेश्चन के अंदर, और 10 नंबर का मैटर रहता है इसके अंदर। इसके बाद में है अपन ले लेते हैं, ये हो गया उपभोग विनिमय हो ही गया। इसके बाद में है धन मूल्य, थोड़ी हो गया, हाँ मूल्य हो गया। इसके बाद में रह गया अपने पास, एक तो रह गया धन, 11 है, इधर ले लेते हैं धन, और 12 अपना शून्य उपयोगिता, क्या है शून्य उपयोगिता, ठीक है, ये शून्य उपयोगिता हो गई। इसके बाद में अपन देखते हैं ये हो ही गया, ठीक है। अपने पास आपको बता दिया 12 क्वेश्चन कंप्लीट हुए। अब मैं आपको एक बार वापस रिवीजन करवा देता हूँ, वापस रिपीट करवा देता हूँ कि कौन कौन से क्वेश्चन है दूसरे क्वेश्चन में। अर्थशास्त्र की कल्याण की परिभाषा करनी है आपको, ठीक है। इसके बाद में कृषि अर्थशास्त्र क्या है वो बताना आपको। तीसरा क्वेश्चन है सीमांत उपयोगिता बताइए। चौथा क्वेश्चन है वस्तु एवं सेवाएं के बीच में जो विशेषता है बतानी है आपको, उपयोगिता को परिभाषित कीजिए। छठा क्वेश्चन है उत्पादन और उपभोक्ता को परिभाषित कीजिए। सातवां क्वेश्चन यह है, इधर रह गया सातवां, मूल्य एवं कीमत को परिभाषित कीजिए। इसके बाद में आठवां क्वेश्चन है उपभोग और विनिमय। नौवां क्वेश्चन है कॉस्ट और मांग। इसके बाद में दसवां क्वेश्चन है पूंजी और संगठन, ठीक है। इसके बाद में अपना 11वां क्वेश्चन है धन, और 12वां क्वेश्चन कौन सा है शून्य उपयोगिता, ठीक है। तो दोस्तों एक बार इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप जल्दी से। उसके बाद में अपन थर्ड क्वेश्चन की ओर चलते हैं। थर्ड क्वेश्चन अपना 8 क्वेश्चन आते हैं थर्ड क्वेश्चन के अंदर, और अपने को 5 क्वेश्चन करने रहते हैं, तो प्रति क्वेश्चन 2 नंबर का रहता है, तो कितने नंबर का मैटर हुआ, 10 नंबर का मैटर वह हो गया, ठीक है। एक बार जल्दी से उतार लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप इसका। तीसरे क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। तो दोस्तों एक बार क्लास को दबा के शेयर कर दें, और जो दोस्त इस चैनल पर नए जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, क्योंकि आपको हर जो आपके पेपर अभी लग रहे हैं ना, उनके सभी के पेपर आपको अवेलेबल करवाऊंगा, गैस पेपर। आपको पास मार्क्स से भी ज़्यादा आपको अंक मिल जाएंगे, आपकी अच्छी OGP मेंटेन हो जाएगी। तीसरा क्वेश्चन अपने पास है, तीसरा क्वेश्चन का पहला ले लेते अपन, ठीक है। प्रत्यक्ष कर व अप्रत्यक्ष कर में अंतर, ठीक है, आपको अंतर स्पष्ट करना है इन दोनों के बीच में। इसके बाद में अर्थशास्त्र के महत्व लिखिए, इकोनॉमिक्स के इम्पोर्टेंस लिखिए। दूसरा क्वेश्चन है अर्थशास्त्र के महत्व लिखिए, ठीक है, किसके महत्व लिखने हैं अपने को, अर्थशास्त्र के महत्व लिखने हैं। इसके बाद में है मूल्य व कीमत में अंतर बताइए, मूल्य व कीमत में अंतर बताइए या अंतर स्पष्ट कीजिए, ठीक है। इसके बाद में चौथा क्वेश्चन अपने पास हास्यमान सीमांत उपयोगिता, हास्यमान हास्यमान उपयोगिता, हास्यमान सीमांत उपयोगिता, सॉरी सीमांत उपयोगिता नियम का उल्लेख कीजिए, उपयोगिता नियम का उल्लेख कीजिए, ठीक है दोस्तों। तो एक बार इसको उतार लीजिए, इतनी देर में आप, मैं इंक डाल लेता हूँ एक बार पेन के अंदर, ठीक है, दिख नहीं रहा होगा, इधर आप आ जाता हूँ मैं, जल्दी उतारिए आप। और दोस्तों क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के पास शेयर कीजिए, हर छोटे भाई बहन के ये क्लास बहुत इम्पोर्टेंट होने वाली है कल के पेपर के लिए, क्योंकि अंतिम समय के लिए अंतिम प्रहार अपना, ठीक है दोस्तों, उतार लियोंगे। इसके बाद में अपने पास कितने क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन कंप्लीट हुए ना, अपना अगला क्वेश्चन चलते हैं पाँचवा क्वेश्चन की तरफ। पांचवा क्वेश्चन अपना
सीमांत उपयोगिता, हास नियम, समान सीमांत उपयोगिता। सीमांत उपयोगिता पांचवा क्वेश्चन है। सीमांत उपयोगिता हास्य या हास नियम व समान सीमांत उपयोगिता, समान सीमांत उपयोगिता नियम बताइए। उपयोगिता नियम, ठीक है। ये अपने पांच क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। इसके बाद अपन ले लेते हैं आगे छठवां क्वेश्चन अपना। जीएनपी बताइए। जीएनपी का मतलब होता है सकल घरेलू उत्पाद, नहीं सॉरी सकल राष्ट्रीय उत्पाद। सकल राष्ट्रीय उत्पाद बताना आपको, ठीक है। इसके बाद में सातवां क्वेश्चन अपने पास मुद्रास्फीति। मुद्रास्फीति आठवां क्वेश्चन अपने पास पूर्ण बाजार में अंतर बताइए। मैं अंतर स्पष्ट कीजिए, क्या करना है, अंतर स्पष्ट कीजिए, ठीक है। पूर्ण बाजार और अपूर्ण बाजार में अंतर। और एक क्वेश्चन और लिख लीजिए आप, ये हो गया। एक क्वेश्चन और लिख लीजिए आप इधर, इकोनॉमिक्स ऑफ स्कोप। आपको इसके स्कोप बताना है किसका, अर्थशास्त्र का, अर्थशास्त्र के स्कोप बताने हैं आपको, अर्थशास्त्र का स्कोप, ठीक है। इंग्लिश में लिख देता हूँ आपको यहाँ पे मैं, इकोनॉमिक्स ऑफ स्कोप, ठीक है, ये इंग्लिश में हो गया। इसके बाद में अपन एक क्वेश्चन और देखते थे, इधर लिख देता हूँ आपको मैं, एक बार इसको उतार लीजिए। आप लिख लीजिए मुद्रास्फीति और मुद्रास्फीति में अंतर बताइए, ठीक है। अपना क्वेश्चन था इधर, ये आठ हो गया, इधर नौवा था, ठीक है। ये दसवां क्वेश्चन, मुद्रास्फीति व मुद्रास्फीति अंतर स्पष्ट कीजिए। ठीक है, आपको मैं वापस एक बार रिपीट करवा देता हूँ, ठीक है। इसके बाद में अपने पास अपन चौथा क्वेश्चन की ओर चलेंगे, मैं करवा देता। प्रत्यक्ष कर और अप्रत्यक्ष कर में अंतर बताना है, अर्थशास्त्र के महत्व लिखिए। थर्ड क्वेश्चन है मूल्य एवं कीमत में अंतर बताइए। चौथा क्वेश्चन है हास्य उपयोगिता नियम उल्लेख कीजिए। इसके बाद में सीमांत उपयोगिता, पांचवा क्वेश्चन है सीमांत उपयोगिता, हास्य नियम व समान सीमांत उपयोगिता का नियम बताइए। छठा क्वेश्चन है जीएनपी बताइए, जीएनपी मतलब सकल राष्ट्रीय उत्पादन बताना आपको। इसके बाद में है आठवा क्वेश्चन मुद्रास्फीति बतानी है आपको। इसके बाद में नवा क्वेश्चन, सॉरी आठवा क्वेश्चन है पूर्ण बाजार और अपूर्ण बाजार में अंतर स्पष्ट करना है। नवा क्वेश्चन है अर्थशास्त्र का महत्व बताना है, इकोनॉमिक्स ऑफ स्कोप बताना है आपको। इसके बाद में लास्ट क्वेश्चन अपना मुद्रास्फीति व मुद्रास्फीति के अंदर अंतर स्पष्ट करना है, ठीक है दोस्तों। तो एक बार इसको जल्दी से फटाक से उतार लीजिए आप, या इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद में अपन लास्ट का क्वेश्चन कराते हैं, चौथा क्वेश्चन। आपको चौथा क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 20 नंबर का आता है। आपको तीन क्वेश्चन पूछेगा, उनमें से आपको दो क्वेश्चन करने पड़ते हैं, वही दो क्वेश्चन 10 नंबर के, सॉरी एक क्वेश्चन 10 नंबर का है, तो दो क्वेश्चन 20 नंबर के हो जाते हैं, ठीक है दोस्तों। तो एक बार फटाक से उसे उतार लीजिए, उसके बाद में अपन चौथा क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दोस्तों आप अगर उतार ना पाओ तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट लेके उसके बाद में उतार लिया करो, ठीक है। और एक बार क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के पास शेयर कर दें। एक बार उतारने से पहले आप चौथा क्वेश्चन उसी के बाद में देखें आप, जब आप क्लास को शेयर कर दें एक बार आपके दोस्तों के पास या आपके छोटे भाई बहनों के पास, ठीक है। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के पास फैलाइए, क्योंकि आपको
हर सेमेस्टर के आपको नोट्स मिल जाएंगे, आपको हर क्लास प्रोवाइड होगी और आपको गैस पेपर भी सारे चीज़ अवेलेबल होगी। और साथ ही साथ यहाँ पर आपको एरा इंस्टीट्यूट के द्वारा जेट ले लो, सीटी ले लो, कृषि प्रवेशक ले लो, इनकी भी आपको प्रिपरेशन आपको तैयारी करवाई जाती है बहुत ही शानदार तरीके से, फ्री के अंदर करवाई जाती है आपको। तो आपके छोटे भाई बहन अगर जेट और सीटी की तैयारी कर रहे हैं वो भी आप एग्रीकल्चर एरा इंस्टीट्यूट से जुड़ा सकते हो, ठीक है। इसके बाद अपन चौथा क्वेश्चन की ओर चलते हैं डायरेक्ट। चौथा क्वेश्चन अपना, चौथा क्वेश्चन का पहला ले लेते हैं अपन, चौथा क्वेश्चन इधर ले लेते हैं। इसका पहला है, आपको इंग्लिश में बता दूंगा एक बार, मैं पहले एक बार इसको हिंदी के अंदर कर लेते हैं अपन। विभिन्न प्रकार की मांग की लोच, विभिन्न प्रकार की मांग की लोच बारे में लिखिए, ठीक है। इसके बाद में बारे में लिखिए, मांग वर्ग के माध्यम में समझाइए, क्या करना है, मांग वर्ग के माध्यम में समझाइए, ठीक है। इसके बाद में है साथ में मांग के लोच महत्व बताइए, साथ में मांग लोच के महत्व, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन अपना, राष्ट्रीय आय को परिभाषित कीजिए, राष्ट्रीय आय को परिभाषित कीजिए, राष्ट्रीय आय की गणना करने के विभिन्न तरीके लिखिए, करने के विभिन्न तरीकों को लिखिए। ठीक है। तीसरा क्वेश्चन अपना, कृषि शास्त्र को परिभाषित कीजिए, कृषि अर्थशास्त्र सामान्य सामान्य अर्थशास्त्र के कैसे भिन्न है, के कैसे भिन्न है, विस्तार से समझाइए। ठीक है, ये अपने पास है जो चौथा क्वेश्चन है वो 20 नंबर का आता है, ठीक है। तो अपने पास जो 20 नंबर का आता है, तो पहला क्वेश्चन है विभिन्न प्रकार की मांग की लोच बारे में लिखिए, जो मतलब जो विभिन्न प्रकार की जो मांग की लोच होती है उसके बारे में लिखना है आपको, और मांग वर्ग के माध्यम में समझाइए, इसको मांग वर्ग के माध्यम में समझाना, साथ के मांग को लोच के एक महत्व भी आपको बताना है। दूसरा क्वेश्चन है राष्ट्रीय आय को परिभाषित करना है आपको, उसके बाद में आपको बताना है राष्ट्रीय आय की गणना करने के विभिन्न तरीकों को लिखिए, जो राष्ट्रीय जो आय होती है उसकी गणना के विभिन्न तरीकों को लिखना है आपको। इसके बाद में थर्ड क्वेश्चन आपका, कृषि शास्त्र को परिभाषित कीजिए, कृषि अर्थशास्त्र सामान्य अर्थशास्त्र
के कैसे बिन है, जो कृषि अर्थशास्त्र है वो सामान्य अर्थशास्त्र के कैसे बिना आपको बताना है और विस्तार को समझाना है, ठीक है। और आपको एक लास्ट में एक और लिख लीजिए आप, चौथा क्वेश्चन, जो आपका इकोनॉमिक्स होता है, ठीक है, अर्थशास्त्र होता है, उसको एक बार विस्तार से समझाइए। आपको इसके अंदर आपको प्रकार भी पूछ सकते हैं, ठीक है, इसके बारे में जो इसका है वर्णन आपको सही प्रकार से करना है, विस्तार से करना है। अर्थशास्त्र के बारे में विस्तार से वर्णन करें, ठीक है। दोस्तों मैं आपको बता दूं, जो अर्थशास्त्र है, इकोनॉमिक्स है, इसके बारे में आप थोड़ा सा मतलब एक बार फट के जाइए जरूर, क्योंकि आपको इकोनॉमिक्स के अंदर जो अर्थशास्त्र है उसी इसी टॉपिक के अंदर से आपको क्वेश्चन घुमा फिरा के कैसे भी पूछ सकते हैं, ठीक है दोस्तों। जो ये अर्थशास्त्र है इसको कहीं से भी घुमा फिरा के क्वेश्चन एग्जामिनर बना सकता है, इसलिए आपको एक बार इकोनॉमिक्स अर्थशास्त्र के टॉपिक को अच्छे से पढ़ के जाइए, ठीक है दोस्तों। और जो मैं आपको ये पेपर बताया हूँ, ठीक है, गैस पेपर, उसके अंदर से आपका जो कल का पेपर होगा 10 तारीख को इकोनॉमिक्स का, उसके अंदर आपको 70% आपके पेपर को कवर कर लेगा ये, इसलिए आप एक बार इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के पास शेयर कर दें। और जो दोस्त इस चैनल पर नए जुड़े हों, चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर दें, ठीक है दोस्तों। और अगर आप इस वीडियो को देख रहे हो और आप इस वीडियो को दूसरे दोस्त के पास शेयर कर रहे हो और वो दोस्त दूसरे दोस्त के पास शेयर कर रहा है, इसलिए आपको इंटरनेट की तरह एक कनेक्शन बन जाएगा। इस प्रकार आपको अच्छे अच्छे वीडियो भी आपको प्रोवाइड कराऊंगा, हर आपके जो BSc ऑनर्स के जो आपको फर्स्ट ईयर से लेकर फोर्थ ईयर तक आपको यहाँ पर एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट के द्वारा फ्री ऑफ कॉस्ट आपको क्लासेस प्रोवाइड होगी। और जो आपके साथ में कोई छोटे भाई बड़े भाई बहन अगर कृषि प्रवेशक जेट प्लस CUET की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए भी बहुत ही फायदेमंद जो आपको एग्रीकल्चर एरा इंस्टीट्यूट के द्वारा आपको क्लासेस प्रोवाइड करवाई जा रही है, बहुत ही निःशुल्क रूप में, आपको एक भी पैसा नहीं देने की जरूरत, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों अगर मेरी क्लास अच्छी लगी हो तो एक बार फिर से एक बार क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के पास शेयर कर दें, और जो दोस्त इस चैनल पर नए जुड़े वो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दे, ठीक है दोस्तों। तो फिर एक बार अगले पेपर में मिलते हैं अपन, जो 11 अपना 12 तारीख को पेपर होगा उसके अंदर फिर एक बार मिलते हैं, ठीक है दोस्तों। जब तक जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।